प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला बिलासपुर के दौरे के दौरान श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जुखाला में 33 केवी विद्युत लाइन का शिलान्यास किया और ब्रह्मपुखर द्योत शिला सड़क के चौड़ीकरण का भूमि पूजन किया। इस दौरान विद्युत मंत्री अनिल शर्मा, सांसद अनुराग ठाकुर और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा उपस्थित रहे। जुखाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सांसद अनुराग ठाकुर, मंत्री अनिल शर्मा और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा का लोगों ने जमकर स्वागत किया। ठंड के इस मौसम में भी मुख्यमंत्री के दौरे से जिला बिलासपुर में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और मुख्यमंत्री ने वहां पर अपने संबोधन में घोषणाओं की झंडी भी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश से अटूट लगाव है और प्रेम है, जिसके चलते उन्होंने हिमाचल प्रदेश को लगभग एक वर्ष के दौरान 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हिमाचल को दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन पर और उनकी सरकार पर आशीर्वाद रहा है और उनके एक वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर भी नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे और वे उनकी आशाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में लेने का निर्णय किया है, ये रूटीन का नहीं होगा। जैसे पहले क्या होता था कि कुछ जगह जाते थे, चीफ मिनिस्टर जाते थे, मिनिस्टर जाते थे, थोड़ा इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की एक थोड़ी सी एक औपचारिकता जैसे करते थे, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ऐसा करके होता था। अब की बार हमने थोड़ा हट करके, एक तो ये है कि इन्वेस्टर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई इंडस्ट्री लगाने वाला, हमने होलिस्टिक एक व्यू लिया पूरा स्टेट का, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रूप में इन्वेस्टमेंट का स्कोप जहाँ जहाँ है उसको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से जैसे टूरिज्म है, टूरिज्म में इको टूरिज्म एक अलग ये है, उसके बाद हमारे पास एडवेंचर्स टूरिज्म का वो जो है वो उसका वो अलग स्कोप है हमारे पास यहाँ पर, और उसके साथ साथ में जैसे हॉर्टिकल्चर में हमारा फूड प्रोसेसिंग का अलग से है, सी एस टूर का अलग से है। तो पहले क्या होता था कि इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री लगाना, तो हमने अलग अलग से जैसे टूरिज्म में हमने वेलनेस सेंटर का उस सेक्टर में कौन आ सकता है, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संभावना है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के प्लान किया है। आपकी और हाइड्रो सेक्टर में दूसरे बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर तो है ही है क्या, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने कोशिश की है आपकी बार कि हम अलग अलग जगह जा कर के जो इन्वेस्टर्स हिमाचल में आ सकते हैं उनको लाने की कोशिश करें। और अल्टीमेटली हमने दो जगह बेंगलोर और हैदराबाद में दो जगह रोड शो के काफ़ी पॉजिटिव एक वहाँ पर हमको देखने को मिला है, लोग आना चाहते हैं, हिमाचल का नाम पूरे देश भर में लग इसके साथ आता है कि जहाँ इन्वेस्टर महसूस करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ करके इन्वेस्टर्स मीट में इसको हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है और प्रोग्रेस होने के साथ साथ में इन्वेस्टर्स मीट हमारी लोकसभा के चुनाव के बाद होगी और उससे पहले कुछ एक MOUs का प्रोसेस हमारा शुरू हो रहा है। अभी 25th को भी जो हमने कुछ प्लान किए हैं, कुछ MOUs की शुरुआत वहाँ से उस दिन से होने वाली है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए और यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करें और हिमाचल की डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं जो आज से पहले इस तरह से प्रयास हुए नहीं। हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा स्कोप तब आया था जब एक हमको पैकेज मिला था, इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था अटल जी के दौर में, और उसका लाभ निश्चित रूप से हुआ और उसके कारण उसका परिणाम यह है कि आज एशिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री जो है हमारे पास है बद्दी में। तो लेकिन और सारी चीज़ों को लेकर के भी हमको आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता, तो इसलिए हमने सारी चीज़ को सोचा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जुखाला में जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणाओं की झंडी लगाई। जुखाला में मुख्यमंत्री लोक भवन के उन्होंने जुखाला में मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए दिए और शिमला से मार्कंड प्राचीन धार्मिक स्थल के लिए HRTC बस लगवाने की घोषणा भी की।